देखा घर में काफी टेंशन टेंशन का माहौल है, हर कोई कुछ ना कुछ सोच में डूबा हुआ है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक एसटीएस कमांडर हम पर हमला करने वाला है, तो इसलिए हम लोग सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। पर? अच्छा, लेकिन देखा जाए ज्यादा टेंशन आई गेस आप ही को हो रही है पूरे घर में, क्योंकि आप ही कुछ ना कुछ जद्दोजहद करने में लगे हैं, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरी है सिक्योरिटी की। मैं गुलाम हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी ढील की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि किसी की मौत हो जाए, या वो एसटीएस ऑफिसर, एसटीएस कमांडर घर पे घुस जाए और वो ऐसा पता चला है कि ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एसटीएस कमांडर है। तो मैं सबको सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरी मंत्री जी से बात हुई है, उनको इंटेलिजेंस से पता चला है कि वो आने वाला है, तो इसलिए सबको पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सावधान रहो। बड़े मालिक जो है वो शायद चिवानी या किसी और के कब पर ऊपर ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं। बड़े मालिक सरकार वो इसका ब्लेम रश्मि पर डाल रहे हैं, क्योंकि रश्मि को हमने जब पहली बार उठाया था तो वो एक एसटीएस कमांडर की वाइफ है, वाइफ थी, फियांसे थी, वाइफ थी, फियांसे फियांसे थी ना, शादी होने वाली थी। होने वाली थी राघव की, और राघव को मार दिया तो उसके जगह उसके उसकी मौत का बदला लेने एक नया आया है। तो सरकार कह रही कि सब इसी की वजह से हुआ है, ये इसे ही ढूंढते ढूंढते सब आ रहे हैं, अभी तू इसको मेरे सामने से हटा दे, तो वो ऐसा डायलॉग था उनका। लास्टली गुलगुली थी जो है वो शिवानी का साइड लेके कुछ कह हाँ, वो रही मुझे थी नहीं समझ आया तो ये वो, एकदम से कैसे उनके साइड पर आ गई वो मुझे नहीं पता, कोई कोई चीज़ें रंगीला को नहीं समझ आती। मैं खुद सोच रहा था यार ये क्या हो गया, गुलगुली को क्या हो गया, वो उधर क्यों जा रही है शिवानी के पास? सब तो इतनी सारी प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है उनकी लाइफ में, पता नहीं अचानक क्या हुआ गुलगुली को कि यार सरकार, मैंने कहा था ना, पंडित ने ये बोला था कि ये जब घर पे आएगी तो कोई वो नहीं होगा, अरे यार ये जब से आई है तब से कुछ ना कुछ तो होते ही जा रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।